मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बड़े दिन बाद भाई हम व्लॉग बना रहे हैं, और आज इसलिए मैं व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि आज कुछ स्पेशल है। आज मैं जा रहा हूँ फ्रॉम एबट्सफोर्ड टू कैलगरी, क्योंकि कैलगरी में हो रहा है एक रियल स्टेट इवेंट। एक क्या दो हो रहे हैं, मेरे को दूसरे के बारे में बस रिसेंटली रात को ही पता लगा है, पिछली रात को, तो लगे हाथ मैंने कहा वो भी दिखाएंगे। तो दो दिन के लिए मैं कैलगरी जा रहा हूँ। चलो मिलते हैं आपको एयरपोर्ट पर। गाइस, बस अभी कैलगरी लैंड हुए हैं भाई, एयरपोर्ट पे ही है अभी खड़े हुए। तो अब जाना है, हमने अपने एयरबीएनबी बुक किया हुआ है, जस्ट एक्सप्लोरिंग दी पब्लिक ट्रांजिट हियर एट कैलगरी। सो लेट्स सी। सो फाइनली एयरबीएनबी में चेक इन कर लिया था भाई। एक इशू आ गया है कि ये जो बल्ब है ऊपर रूफटॉप वाला जो रूम में मेन होता है, वही नहीं चल रहा फॉर सम रीज़न। मैंने बल्ब चेंज करके देखा बट बल्ब में नहीं दिक्कत है। बाकी बस सिस्टम भाई मेरे को यहाँ का बहुत अच्छा लगा। आप एयरपोर्ट से निकलो, अगर आपने टैक्सी नहीं लेनी तो दो बसें चलती हैं, एक नंबर 100, एक नंबर 300। 300 आपको डाउनटाउन की तरफ लेके जाती है, 100 कहीं और लेके जाती है। तो भाई मेरे को डाउनटाउन वाली पकड़नी थी, बिकॉज वो रेजिडेंशियल एरिया से निकलती हुई जाती है जहाँ पर मेरा एयरबीएनबी था। तो मैं आया उससे, मैं उतरा, 5-7 मिनट की वॉक थी, वॉक करके सीधा एयरबीएनबी में। अपनी बोर्डिंग हो चुकी है भाई, बस अभी डाउनटाउन पहुँचे हैं। सुबह के बज रहे हैं 10:30, हम लिखे आते हैं 9 बजे के आसपास। दो के बस पकड़ी और 15 मिनट बस नहीं आ सकती। अब डाउनटाउन आया, डाउनटाउन एक्सपीरियंस भाई बड़ी तकनी मिल रही है। मेरे पास हवा भी अच्छी चल रही है, सो इट्स नॉट लाइक वेरी ह्यूमिड। एक तो ये है कैलगरी टावर, ये टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ की, यहाँ पर लोग आते हैं। उसकी $19 की टिकट है। और एक ये बना हुआ है कुछ भाई, ये इनकी मेन स्ट्रीट लग रही है मेरे को, बड़ा ही कुछ सजा हुआ है। अभी बस कैलगरी टावर पे जा रहा हूँ मैं। I've shown you guys, right? From the outside. कैलगरी टावर यहाँ का एक टूरिस्ट स्पॉट है। जेंट्स बाकी ऊपर जाके भाई आपको दिखाते हैं कि भाई वो कैसा व्यू है एंड एवरीथिंग। मैं क्या वर्थ इट होगा। All right guys, so finally वो टाइम आ गया है भाई जिस चीज के लिए मैं कैलगरी आया था स्पेशली, एंड इट इज द बिगेस्ट रीजन है ऑफकोर्स जिसके लिए मैं कैलगरी आया। अगर आपको पीछे दिख रहा होगा वो है मैक्स बेल सेंटर, इट्स काइंड ऑफ एन ऑडिटोरियम, ठीक है। और वहाँ पे आ रहे हैं ग्रो विद नैफ, जो नहीं जानते एक बार यूट्यूब पे जाके चेक कर लो। पोटैटो टॉकीज के नाम से तो जानते ही हो गए, वो भी नहीं जानते इनको भी चेक कर लो। तो भाई नैफ भाई आ रहे हैं, वो अपना मॉर्गेज का सेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग इन रियल स्टेट, एंड ही विल गाइड अस ऑन हाउ टू इन्वेस्ट इन कैलगरी, एयरबीएनबी, शॉर्ट टर्म रेंटल्स, प्लस इन्वेस्टिंग इन US, राइट। और ऑन टॉप ऑफ दैट उसके साथ साथ इंडियन सैवेज ऋषभ दत्ता भाई, वो भी यहीं पे हैं, और उन्होंने अभी नया नया रियल्टर का लाइसेंस लिया है, तो वो भी इस इवेंट में आ रहे हैं। मेरी कल शाम को चैट पे बात हुई थी इंस्टा पे। बाकी आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू मीट ऑल ऑफ देम, दे आर रियली लाइक माइंडेड पीपल। अगर हो पाए तो मिलवा दूंगा भाई वीडियो में फॉर श्योर, राइट। और मैंने भी पहली बार ही मिलना है, सो लेट्स सी हाउ दिस गोस। Guys, बस अभी ग्रो विद नैफ का मीटअप होके हटा है भाई, इट वॉज सुपर अमेजिंग, एंड सी हू आई एम विद, द रियल पर्सन।
पहली बात तो मेरे पास तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इट वाज सुपर रैंडम, बट मैंने सोचा आपका एक मिनट छुराऊं, मैं आपसे ये पूछूं कि आपको ये मोटिवेशन कैसे मिलती है कि आप इतने सारे एक तो काम करते हो, इतने सारे लोगों को मैनेज करते हो, प्लस यू ग्रो योरसेल्फ एज वेल, व्हाट्स योर मेंटालिटी एंड व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मेरे को ऐसा लगता है कि ना हमेशा स्टूडेंट रहना चाहिए, चाहे स्टूडेंट नहीं भी हो, तो मेरे को सीखने को बड़ा अच्छा लगता है। जो मैं सीखता हूँ वो मैं बता देता हूँ लोगों को, क्यों अपने पास रख के क्या करूँगा, क्योंकि नॉलेज जो होती है वो बांटने से ही यू नो मिलती है, राइट? सो या दैट्स हाउ आई स्टे मोटिवेटेड। मेरे को ऐसे इवेंट्स करके बड़ा मजा आता है, लोग आते हैं, बात करते हैं, मेरे को समझ आता है कि उन्होंने एक डिसीजन लिया मेरी एक वीडियो देख के, मेरे को आज पता चल रहा है वो उन्होंने कितना बड़ा डिसीजन था। एंड ये सब मैं इवेंट्स इसलिए करता हूँ, नॉट टू यू नो डू एनीथिंग एल्स, बट टू जस्ट हैव दैट। आज मैं 2.5 घंटा सोया था पूरा, कल मैं 3 घंटे सोया था, राइट? बट एनर्जी देखो मेरी, एनर्जी इसलिए बिकॉज कितने अच्छे अच्छे लोग मिले, कितना वो हुआ है, यही से मेरे को एनर्जी मिलती है। अपना बीसी में भी करो इवेंट बिल्कुल वैंकूवर में, नेक्स्ट टाइम 100% विद इन फ्यू मंथ्स और बिल्कुल फिर हम मिलेंगे। ओके गाइस, और हमारे साथ खड़े हैं ऋषभ भाई। भाई हम बहुत देर से बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा बात करके, मेरे को तो हिम्मत नहीं हुई पहले कैमरा उठाने की, मैं कहा भाई पहले भाई को थोड़ा नॉर्मल कर ले, एक्चुअली मैंने खुद ने नॉर्मल होना था, बट भाई वेरी नाइस मीटिंग यू यार, है ना, बढ़िया कन्वर्सेशन हो गया भाई। भाई कितनी डेडिकेशन है, बर्ड स्पोर्ट्स से आया है यहाँ पे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस यार मेरे को ऐसी नेटवर्किंग इवेंट पसंद है, बाकी अगर आप किसी को जानते हो और मिलने का चाहो तो काहे नहीं, हाँ वो भी है। और ब्रो आपको लाइक एक व्यूअर्स के लिए मेरे को एक ये बताओ, जो मेरे को बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देखते हैं वो ये पूछते हैं कि मेरे को स्ट्रगल बहुत है, खाने पीने को लालच आई हुई है, मेरे को तो नहीं लगता है बेसिक जॉब अगर हम करें 20 घंटे 40 घंटे तो बेसिक्स तो अपने कवर्ड होते हैं, तो बंदे रोते क्यों रहते हैं? आपको उनके लिए एक मैसेज बताओ कि भाई बंदे एटलीस्ट यू नो सर्वाइवल जॉब से उठ के फील्ड जॉब पे जाएं और देखा देखी ना। हाँ वो तो है ही, मतलब देखो किसी के सिनेरियो अलग रहने वाला है, राइट? अगर आपको बेसिक्स कवर करने हैं तो उस हिसाब से मैथ्स करें, अगर आपको कुछ ज़्यादा चाहिए तो यू नो यू विल हैव टू डू अ सेकंड जॉब और मे बी यू नो साइड हसल कुछ, तो वो उस हिसाब से करें। ऑब्वियसली देखा देखी प्रैम्पर वाला काम ना करें, मस्टैंग वगैरह ना ले लें, आती बस वो गलती ना करें, बाकी तो सही रहे। भाई मैंने खुद ने लाइक सेकंड हैंड अभी कार ली हुई है, 3,000 की मैंने शुरुआत में ली थी, तो मेरी खराब हो गई थी ऑफकोर्स, फिर मैंने अभी जो ली है वो 8,000 की इन कैश ली है, बट मैं क्या नई कार लेके कोई फायदा नहीं। मतलब यार वही है कि आपको पता ना चाहिए, आपको करना है, भाई को पता था, भाई ने उस हिसाब से किया, नहीं तो अगर आप किसी की ब्रांड न्यू मस्टैंग में बैठोगे तो बजाल आप 3,000 की गाड़ी खरीद लो, दैट्स नॉट गोना हैपन। वो इन्फ्लुएंस मत हो, अपने डिसीजन खुद लो, किसी और से इन्फ्लुएंस होके मत लो, प्लस भाई अपना सराउंडिंग अच्छा रखो। और मैं आपको भाई का चैनल रिकमेंड करूंगा इंडियन सैवेज, वहाँ पे बहुत अच्छी वीडियोज आती हैं, अब तो फाइनेंशियल वीडियोज भी आ रही हैं बिकॉज ही जस्ट गॉट हिज रियल्टर लाइसेंस, तो कैलगरी में बेस्ड है भाई, ठीक है? अब तो कनेक्शन बन गया, तो अब अगर हम आएंगे तो भाई को हम कॉन्टैक्ट करेंगे, बट अगर आपको कोई भी नीड हो फॉर श्योर हिट हिम, मैसेज ऑन इंस्टाग्राम यहाँ पे मैं डाल दूंगा। थैंक यू भाई, थैंक यू। एंड बाकी इसके अलावा जस्ट कमेंट बिलो है ना, अगर आपको कोई क्वेश्चन है मैं भी हेल्प कर सकता हूँ। बाकी वेरी नाइस मीटिंग यू अगेन ब्रो, यू टू मैन, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया लगा। ऑल राइट गाइस, अगली मॉर्निंग हो चुकी है भाई, यस्टरडे नाइट वॉज अमेजिंग एज यू गाइस सॉ, वेरी फ्यू क्लिप्स बट आई वॉज पर्सनली इन्जॉइंग माई सेल्फ। एंड सबसे बड़ी बात बताई क्या है यार, जब मैं आया था मैं किसी को नहीं जानता था कैलगरी में, जब मैं अब जा रहा हूँ एक दो दिन बाद, आई हैव सो मैनी कॉन्टैक्ट्स दैट मैनी ऑफ द पीपल टोल्ड मी दैट वेन एवर यू कम नेक्स्ट टाइम एंड वेन यू हैव प्लान्स लेट अस नो एंड वील गो शॉपिंग और इवन घूमना फिरना टुगेदर। सो दैट्स अ बिग विन आई वुड से फॉर मी पर्सनली, एंड बहुत कुछ सीखने को मिला ऐसे लोगों से, क्योंकि भाई जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो तो द टॉक इज़ ऑलमोस्ट डिफरेंट, राइट? बाकी विदाउट एनी फर्दर ड्यू, आप देख सकते हो भाई मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, समय गर्मी तो है ही है बट हवा चल रही है, सो इट्स नॉट कि आपको जैकेट या हुडी चाहिए कोई, रात में ज़रूरत पड़ जाती है बट अभी नहीं। सो अभी भाई नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो गई है, इट्स 9:24 AM, राइट? 10 बजे वैसे मेरा चेकआउट है बट आई एम चेकिंग आउट 30 मिनट अर्ली, अभी मेरी बस है, आई विल टेक द बस, आई विल ट्राई टू रेंट अ कार बिकॉज आज मेरा पूरा दिन फ्री है, मेरी फ्लाइट रात को 11:30 है यहाँ से। बस अभी भाई कार रेंट कर लिया, फाइनली मिल गई, सो टुडे आई एम ड्राइविंग किया सेल्टॉस, लेट्स सी। एंड अभी बज गए हैं 10:30, भूख लगी है तो कुछ खाते पीते हैं पहले चल के। एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई नहीं कि जब भी कोई रेंटल कार आप लेते हो ना, मेक श्योर टू टेक इंश्योरेंस, $30-40 एक्स्ट्रा जाने दो बट टेक इट गाइस, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है कि अगर कल को साला कुछ भी हो जाए ना तो यू पे वेरी वेरी बिग, वेरी वेरी बिग।
तो मेरे को कार सस्ती मिली बट मेरे को $40 की इंश्योरेंस मिल रही थी। कभी कभी इंश्योरेंस आपकी जो प्राइमरी कार होती है उसमें इंक्लूडेड होती है रेंटल कार्स की, बट अगर वो नहीं है एंड यू आर नॉट श्योर जस्ट चेक इट, इट्स वर्थ इट गाइज। एक होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट जो इन्होंने मेरे से $350 लिया है, दैट इज़ रिफंडेबल इफ एवरीथिंग गोज गुड। बाकी इनका टैंक का ये सीन है कि फुल टैंक इन्होंने दिया है और फुल टैंक इनको वापस करना है। ऑलराइट गाइज, बस अभी मैं बैफ नेशनल पार्क पहुँच गया हूँ। भाई साहब क्या हवा है, बाकी भाई व्यू चेकआउट करो यार।